हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको एकदम सिंपल तरीके से कैसे प्याज का पराठा बनाते हैं ये बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम टेम्पिंग सी और सिंपल सी रेसिपी। प्याज का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तेल हमारा गर्म हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने जीरा, सौंफ और कलौंजी लिया है। कलौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं डालूंगी इसमें कुटा हुआ लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए लहसुन, मिर्ची और मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें, ये देखिए, एक बड़े कटोरी से एक कप प्याज, जो कि ये बड़े साइज के प्याज में मैंने 8 से 10 प्याज लिए थे। ऐसे मैंने एकदम स्लाइस में कट कर लिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से भून जाए और जल्दी पक जाए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बनता है पराठा। आप जरूर बनाइएगा और खाइएगा। और अब मैं डालूंगी इसमें कुछ मसाले। ये है हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाए और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। देखिए प्याज अच्छे से पक गया है। अब मैं डालूंगी इसमें 2 बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन, 2 बड़ा चम्मच ताकि हमें स्टफिंग करते वक्त हमारा बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, जो कि जो भी प्याज में मॉइस्चर हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है। देखिए सारे चीज अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा प्याज का पत्ता। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और अब मैं डालूंगी इसमें फाइनली बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारी स्टफिंग्स बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। ये देखें, जिस कप से मैंने प्याज लिया था उसी कप से मैं 1.5 कप आटा लूंगी। ये 1 कप और ये 1/2 कप। मैंने 1.5 कप आटा लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा तेल। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। भूनकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट सा आटा हमें भूनकर तैयार करना है। आप इस ठंडी में ये प्याज का पराठा जरूर बनाइएगा। इसे आप नॉर्मली अचार के साथ, दही के साथ सर्व करिए। बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। इसे आप लंच में या डिनर में बनाइए, या सुबह के नाश्ते में बनाइए, या बच्चों के टिफिन में बनाइए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। देखिए मैंने एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथकर तैयार किया है। अब हम कैसे पराठा बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मसल लेंगे।
इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे और अब हम इसे साइड में रख देंगे। देखिए मैंने लोई लिया है, ये मैंने नींबू से बड़ा आकार का लिया है, इसे हम ऐसे गोल करेंगे। मैं आपको पराठा भरकर और बेलकर बताऊंगी। हल्का सा हम सूखा आटा लगाएंगे और इसका ऐसे गोल सा कटोरी बनाएंगे। अब मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी जो ठंडी हो गई है हमारी, प्याज वाली स्टफिंग। स्टफिंग अच्छे से भरिएगा तो खाने में स्वाद बहुत अच्छा आएगा प्याज का। ठंडियों में पराठों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर तो ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में। देखिए ऐसे हम धीरे धीरे से दबाते हुए सारे एजेस को ऊपर ले लेंगे और ऐसे हम मिक्स कर लेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे और इससे हमें ऐसे गोल कर कर इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे दबा लेंगे। हल्के हाथों से हम ऐसे ऐसे दबा लेंगे। मैंने सूखा आटा लगा दिया इसमें, अब हम इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। देखिए हमें हल्के हाथों से बेलना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगता है पराठा। जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और पराठा थोड़ा मोटा ही होता है, थिकनेस इसका देख लीजिए। हमारा एक्सेस जो है वो निकाल लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। दूसरा लोई लिया है, इसे हम ऐसे गोल कर लेंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसे हम पहले ऐसे नॉर्मली बेल लेंगे। देखिए मैंने एक सादा सा एकदम बड़ा सा रोटी मैंने बेल कर ले लिया है। अब मैं इस पे स्टफिंग डालूंगी। थोड़ा त्रिकोण शेप में डालेंगे। इसे हम ऐसे थोड़ा हाथों से ऐसे फैला देंगे ट्रायंगल शेप में और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए इसे हम हल्का सा ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए लंबा कर। आपको मैंने दोनों ट्रिक बता दिया है, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से बनाइएगा। इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। तवा हमारा गरम हो गया, अब हम पहला पराठा डालेंगे। इसे पलट लेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमें जैसे हम नॉर्मली पराठा सेकते हैं वैसे ही हमें सेकना है, एकदम क्रिस्पी सा गोल्डन। इसे आप दही के साथ या अचार के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है खाने में। इसे आप बच्चों के टिफिन में या दोपहर के लंच में या रात के डिनर में बनाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। हम ऐसे पलट लेंगे। देखिए इस साइड भी अच्छे से तेल लगा लेंगे। आप तेल या घी जो आप खाना पसंद करते हैं आप वो लगाइएगा। इसे दबाते हुए हमें सेक लेंगे। देखिए इस साइड भी से पक गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं दूसरा पराठा सेक लूंगी, इसे भी हम ऐसे पलट लेंगे। अब हम इसमें तेल लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको दोनों पराठा बताया। अगर आपको वैसे स्टफिंग कर कर नहीं आता है भरने, तो आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है ये वाला स्टेप।
पराठे का, इसे भी हम पलट लेंगे। यहाँ भी हम अच्छे से तेल लगा लेंगे और ऐसे हमें सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेना है। आपको जो मेथड पसंद है आप उस तरीके से बनाइएगा। इसे दबाते हुए सेक लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी का साथ तैयार होता है पराठा। इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब ऐसे ही हमें सारा पराठा बनाकर तैयार करना है। अब मैं आपको देखिए ये पराठा सर्व कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने दही पराठा के साथ सर्व किया है, इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेम्पिंग लगता है। आप टमाटर की चटनी के साथ सर्व करिए या खट्टे मीठे अचार के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेम्पिंग लगता है खाने में। आप इसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका प्याज का पराठा कैसा बना था और आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू।